नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। 100 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल हुआ शुरू। मेडिकल सुविधाओं के लिए परेशान कानपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर। बड़ा चौराहे पर खुला हॉस्पिटल। कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर नाम से शुरू हुए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के द्वारा किया गया। बड़ा चौराहे पर स्थित इस हॉस्पिटल में यूं तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने इसका चयन कोविड हॉस्पिटल के लिए किया है। उसे संघर्ष स्वीकार कर लिया गया है। कार्डियोलॉजी डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर नेहा अग्रहरी के मुताबिक हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय सभी सुविधाएं मौजूद हैं। कुल 100 बेड के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर आईसीयू के 25 बेड मॉनिटर युक्त हैं। बताया गया कि वर्तमान समय की ज़रूरत के मद्देनज़र ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था है। पूर्व सीएमओ डॉक्टर वीसी रस्तोगी ने बताया कि सिटी स्कैन, एक्सरे और पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान के निदेशक दीपक सिंह, विकास सिंह और आकाश सिंह ने कहा कि इस हॉस्पिटल से शहरवासियों को राहत मिलेगी। देखिए ये खास खबर कानपुर से। सर, अपना परिचय देते हुए जो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, इसकी स्पेशलिटी क्या है और इस वक्त की जो जरूरत है उसको पूरा करेगा ये हॉस्पिटल, बताए। मैं दीपक सिंह अग्रहरी और ये हमारे छोटे भाई हैं विकास सिंह अग्रहरी। हम लोग यहाँ पे कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट और एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक हैं। पिछले लगभग साल भर से हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोविड की वजह से पिछले 1-1.5 सालों में हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और पिछले 1.5 महीने में जिस तरीके की आप स्थितियां देख रहे हैं अपने देश की, और आए दिन मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब अपने घर परिवार मिलने जुलने वालों में 2 से 3 डेथ की न्यूज़ ना आ रही हो, तो ऐसे में मुझे ये महसूस हुआ कि अपने जो हम जिस प्रोजेक्ट पे हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द दिन रात लग के चालू किया जाए। तो सरकार को हमने अप्रोच किया, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अप्रोच किया और उनके सपोर्ट के साथ आज विद इन 15 दिन दिन रात काम करके हम लोगों ने ये 75 बेडेड कोविड फैसिलिटी चालू करी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि हमारे हॉस्पिटल का नाम आप जानते ही हैं, कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जो हमारा प्राइमरी फोकस था कानपुर शहर में जो करंट सिचुएशन है, हार्ट के मरीजों के लिए कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के अलावा कोई अल्टरनेट बेहतरीन वर्ल्ड क्लास साधन नहीं था, तो इसके लिए कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट ने गुड़गांव के सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ कार्डियो के लिए कोलैबोरेट किया और कानपुर को एक विश्व स्तरीय आर्टेमिस के साथ जुड़ने के साथ जो हमें हमारे लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो दिल्ली एनसीआर के बराबर की मिलेंगी, इस चीज का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। सर, अपना परिचय देते हुए, इस हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज हैं और कस्टमर को जो पेशेंट आएंगे उनको क्या फैसिलिटी मिलेगी इस दौर में जो इस महामारी का दौर चल रहा है? जैसा कि मेरे बड़े भाई भैया ने आपको बताया, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और ये जो हम लोगों ने फैसिलिटी बनाई है कानपुर हार्ट इंस्टीट्यूट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे हार्ट के साथ साथ कोविड की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोविड पेशेंट्स के लिए यहाँ पे सीटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी के सारे टेस्ट, सारी चीज़ों की सुविधाएं होंगी जो यहीं पर पेशेंट के को ट्रीट किया जाएगा। डॉक्टर्स जो हैं हमारे वो कोविड के रिलेटेड टेस्ट के डॉक्टर हैं, आपके जनरल फिजिशियंस हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे जो काम। जैसे कि अभी इस वक्त हर हॉस्पिटल में पैकेज बना दिया गया है, क्या उस तरीके का आपके यहाँ भी कोई पैकेज है? नहीं, अभी हम लोगों ने कोई पैकेज नहीं बनाया। जनरल बेड चार्ज के हिसाब से, डॉक्टर्स की फीस के हिसाब से भी हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोगों ने कोई पैकेज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये हमारे लिए एक नया सेटअप है जिसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कैसे चलता है और उसी हिसाब से उसको आगे कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करते रहेंगे।
YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।